हेलो प्यारे बच्चों नमस्कार आज काफी दिनों बाद हमारी क्लास शुरू हो रही है तो 14 चैप्टर को ही साइंस में 14 चैप्टर जो था हमारा उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं और बहुत जल्द ये चैप्टर खत्म कर दिए जाएंगे और जो भी आपकी पीछे क्लास छुट्टी थी उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में थर्मल पावर प्लांट पढ़ लिया था ठीक है और अब हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन कॉस्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स भाई फॉसिल फ्यूल से क्या दिक्कतें हो सकती है हमें तो फॉसिल फ्यूल से बच्चों एक ही दिक्कत हो सकती है क्या वो सबसे ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन क्योंकि बच्चों पॉल्यूशन इस लेवल पर हो जाता है कि जैसा कि आप अभी इस टाइम पे दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि एक तो हमारे यहाँ पे गाड़ियों की मात्रा है ही ज्यादा प्लस इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ पर ज्यादा है इंडस्ट्री ज्यादा होने की वजह से वो जब उनको गर्म वगैरह किया जाता है किसी चीज को जलाया जाता है तो उसमें से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है इवन और भी देख रहे हैं आप खेतों में जो भी बराली वगैरह निकलती है उनको जला दिया जाता है और भी पता नहीं न्यूज में देखते हैं आप कितनी सारे की बातें सुनाई जाती हैं ठीक है जिसकी वजह से बच्चों हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन हो रहा है ठीक है और इसका एक मेन रीजन ये भी है फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को गाड़ियों में डाला जाता है और जब वो जलते हैं तो उनमें से सी निकलता है जो हमारे एटमोस्फेयर में सी का लेवल बढ़ाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है तो फॉसिल फ्यूल का पहला पहला कारण पहला पॉल्यूशन का पहला कारण कि भाई क्या कि भाई जब उसको जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और सीओ टू प्रोड्यूस करता है ठीक है लार्ज मात्रा लार्ज अमाउंट में सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है प्लस क्या भाई कि ये एक ऐसा फ्यूल है जो हर समय भाई जलते समय क्या निकालता हमने धुआं निकालता है तो ये भी एक मतलब क्या है बच्चों जब वो धुआं निकालेगा स्मोक निकालेगा तो सीधी सी बात है पॉल्यूशन तो करेगा ही ठीक है और सबसे बड़ी बात क्या भाई कि जब जल जाता है जैसे कोल कोयला जब ये जल जाता है तो जलने के बाद ऐश छोड़ता है राख छोड़ता है तो इस वजह से ये क्या है भाई थोड़ा सा हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है हानिकारक है, सिद्ध होते हैं ठीक है अच्छा किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है ठीक है जैसे भाई अब हम कार में जाने वाले हैं तो कारपूल यूज कर सकते हैं हम लोग कारपूल जैसे क्या होता है बच्चों कारपूल होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पड़ोसी भी कहीं जा रहे हैं और सेम जगह पे जा रहे हैं जा कर रहे हैं सेम जगह पे या आप और आपके फ्रेंड जो है भाई वो क्या है सेम ऑफिस में काम करते हैं ठीक है तो आप एक ही कार में जा सकते हैं जरूरी नहीं है कि अलग अलग कार यूज करें ठीक है तो इस तरीके कार पूल हो गया ठीक है और जैसे रेड लाइट पे हम कम से कम मतलब रेड लाइट पे क्या करें ज्यादा रेड लाइट है ज्यादा देर की रेड लाइट है तो गाड़ी अपनी ऑफ कर दें तो जब गाड़ी ऑफ कर देंगे तो क्या होगा भाई कि पोल्यूशन भी कम होगा क्यों क्योंकि जब जब तक गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो पोल्यूशन तो निकलता ही रहेगा गाड़ी ऑफ तो पॉल्यूशन भी थोड़ा लेवल धीरे धीरे जितना यानी अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं ये सारी कोशिश करेंगे ठीक है अच्छा इसी तरह इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना औद्योगिकरण औद्योगिकीकरण का क्या हमारे उस पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो बच्चों देखो मानते हैं फैक्ट्रिया हमारे ही हित के लिए है हमारे ही जरूरत के लिए है फैक्ट्रियां लेकिन इन फैक्ट्रियों की जरूरत हमने इतनी ज्यादा हमने डिमांड बढ़ा दी है कि जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कि उसकी वजह से हमें भी कुछ हानियां हो रही है जैसे उसमें से निकलने वाला गंदा पानी डायरेक्ट जाके नदियों में मिल रहा है और जब वो डायरेक्ट जाके बच्चों नदियों में मिल रहा है तो उसकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ रही है किस तरह की वाटर पोल्यूशन की इसी प्रकार से बच्चों कि जब नॉइस पोल्यूशन ये तो है ही ठीक है वाटर पोल्यूशन अब आपको बता दिया जब भी किसी चीज को यूज करेंगे वो जलाएंगे वगैरह तो उसमें धुआं निकलेगा और वो धुआं क्या करेगा भाई एटमॉस्फेयर को भी क्या कर सकता है गंदा कर सकता है इस वजह से बच्चों आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री भी एक इतनी ही लिमिटेड में होनी चाहिए इतनी ही सोर्स पे होनी चाहिए जितनी लोगों की डिमांड पूरी हो सके लेकिन भाई इंसान एक ऐसा पुतला है जिसकी डिमांड कभी पूरी जल्दी पूरी उसकी विशिष्ट जल्दी ख़त्म की नहीं जा सकती तो वो और सोचता है और सोचता है और सोचता है और लगातार उसके पास क्या आते रहते भाई लगातार उसके पास नई नई चीज़ों के लिए डिमांड आती रहती है और वो इसी की वजह से इंडस्ट्री बनती है और इंडस्ट्री बन रही है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हमारे हित के लिए ही है लेकिन क्या उसके अगर कंट्रोल वे में अगर यूज किया जाए तो हमें अपने जीवन को जीने लायक जो है सांस लेना जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें भी हेल्पफुल मिलेगा ठीक है हां जी अगला आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों जैसे आपको मैं बताऊं कि ये डैम होते हैं जैसे मान लीजिए आपने एक डैम बनाया ठीक है भाई ये आपने डैम बना दिया ठीक है ये डैम बना दिया ठीक है और इन डैम्स में ना यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे होते हैं इस तरीके से गेट होते हैं ठीक है और ये गेट से ऐसे नीचे ऐसे पानी और ये इसके नीचे से पानी और ये ना टरबाइन लगे होते हैं बहुत सारे होते हैं ये मैं एक दिखा रहा हूं आपको लेकिन बहुत सारे लगे होते हैं और इन टरबाइन के साथ क्या लगा होता है साफ्ट जैसा कि आपको पता है साफ्ट के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है जनरेटर जिसका काम बिजली बनाना है और ये यहाँ पे स्टोर होता है तो देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों क्या होता है कि जैसे बारिश हुए बारिश होने की वजह से डैम के अंदर पानी भर गया भर गया भाई अब ये पानी भर गया अब ये क्या करेंगे डैम का दरवाजा खोल देते हैं ऐसे तो ये सारा हाई प्रेशर पाइप से पानी नीचे आएगा पानी नीचे आएगा हाई प्रेशर पाइप से ठीक है और इस टर्बाइन पे आके टकराएगा इस टर्बाइन पे आके क्या होगा बच्चों टकराएगा और जैसे टर्बाइन पे टकराएगा टर्बाइन घूमेगा

चलिए तो ये सबके नोट्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है बस आपको उसमें से पढ़ रहा है ठीक है बच्चों अगला आता बच्चों विंड एनर्जी अगला क्या आता है विंड एनर्जी तो मैं आपको विंड एनर्जी के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं क्या चक्कर है इसका देखो हाँ जी तो अगर विंड एनर्जी के बारे में आपको बताऊं तो भाई जैसे ये हो गया ठीक है ये इस इसपे ऐसे मोटर लगा होगा जनरेटर ठीक है इसी के नीचे ऐसे तार यहाँ पे स्टोर स्टोरेज बनाया होता है है ठीक और इस पर है, है? लगे होते हैं अगर आप कभी देखना जैसलमेर जैसलमेर के अंदर देखना वहां पे ना ही पानी का सोर्स है और ना ही वहां पे किसी तरीके का डैम बनाया जा सकता है क्योंकि आसपास भी क्योंकि वहां पहली बात बारिश भी नहीं होती जब बारिश ही नहीं होती तो पानी मतलब बारिश होती है लेकिन उस लेवल पर नहीं होती जितने उनका पानी स्टोर हो सके ठीक है और दूसरा वहाँ आसपास कोई नदी नहीं है जब नदी नहीं है तो डैम बनाना कोई संभव ही नहीं है हमारे लिए तो इस वजह से उन्होंने क्या किया भाई उनने जब वहाँ के इंजीनियर्स जो थे जो भी थे उन्होंने खोज निकाला कि भाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी से ही हम लोग बिजली बनाए या थर्मल से ही हम लोग बिजली बनाए हम हवा से भी बना सकते हैं हम हवा से भी एनर्जी बना सकते हैं तो कैसे अब 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 जैसे जैसे उन्होंने ये 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 बना दिया भाई अब क्या हुआ हवा आके इस इस पे टकराई पंखे अब अब पंखा जो जो है ये जो है टर्बाइन का काम का करेगा किसका काम का करेगा टर्बाइन का जब हवा भाई इसके ऊपर विंड इसके ऊपर आके लगेगी विंड इसके ऊपर आके लगेगी तो भाई ये टर्बाइन क्या होने लगेगा घूमने लगेगा ठीक है जब टर्बाइन घूमेगा तो इसका ये लगा हुआ सॉफ्ट ये भी घूमेगा ठीक है साफ्ट भी घूमेगा ठीक है और जब साफ्ट भी घूमेगा जब साफ्ट भी घूमेगा तो जनरेटर स्टार्ट होगा जनरेटर स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी स्टोर हो जाएगी क्या हो जाएगी स्टोर और ऐसा ही बच्चों एक नहीं होता अगर आप जैसलमेर की वीडियो, अगर आप बस आप इतना डालना विंड मिल इन जैसलमेर आप गूगल पर डालना विंड मिल इन जैसलमेर आप क्या देखेंगे कि भाई वहां पे ना बहुत सारे हजारों के तादाद में वहां पे आपको क्या मिलेंगे बच्चों ऐसे विंडविल मिलेंगे जो लगातार घूम घूम के घूम घूम के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और उन इलेक्ट्रिसिटी को गांव वालों तक या जो भी है आसपास के इलाके तक उसको पहुंचाया जा रहा है तो इसी को बोला जाता है क्या भाई विंड एनर्जी क्या बोला जाता है विंड एनर्जी ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी तो सोलर एनर्जी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई कौन होता है सोलर एनर्जी ये जो सोलर एनर्जी है ना बच्चों ये धूप से मिलने वाली एनर्जी होती है जैसे आपने देखा होगा ठंड के टाइम पे आप नहा के आते हैं तुरंत आपकी मम्मी या दादी वगैरह बोलती हैं कि भाई फटाफट धूप में चला जा। तो आप धूप में जाते हो थोड़ी देर में आप अपने आपको बिल्कुल ठीक महसूस करने लगते हो क्यों क्योंकि आपकी बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है ठीक है जिसे हीट एनर्जी कह सकते हो विटामिन डी भी मिल जाता है आपको इस तरीके से आप काफी ज्यादा मतलब उस टाइम पे फिर ठंड से फ्री हो जाते हो आपको लगता है कि हाँ भाई अब अच्छा महसूस हो रहा है तो इसी तरीके से उसी धूप से और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जैसे खाना भी बनाया जा सकता है किसमें वाटर ये सोलर कुकर में तो आपको पता ही है सोलर कुकर कैसा होता है डब्बे टाइप का बना देते हैं उसमें छोटी छोटी कटोरिया रख देते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना उसको पूरे को ब्लैक कलर से पेंट करते हैं

टकरा के किस पे पड़ेगी भाई खाने पे और जब हम सारे बर्तन को और जो जो भी बर्तन है और जो सोलर कुकर हमने बनाया है जब उसे हम ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे तो क्या होगा वो सारा हीट एब्जॉर्ब करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी गर्म हो जाएगा तो भाई खाना भी जल्दी बन सकता है अब ये मत कहना कि हाँ भाई खाने में तड़का लगा दो चौका लगा दो चलो आज मुर्गा वुर्गा बनाते हैं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है ठीक है उसमें हम सिर्फ बॉइल्ड फूड कर सकते हैं वो भी सिंपल बॉइल्ड फूड जो बड़े आसानी से बॉइल हो जाए ठीक है अब आप ये कहोगे कि नहीं मम्मी आज अंडे उबाल दो चिकन उबाल दो ठीक है तो ऐसा नहीं होने वाला भाई ठीक है आप उसके अंदर सिंपल दाल चावल इस टाइप की चीजें जो उबाल के आसानी से खाई जा सकती हैं, आसानी से उबाली जा सकती हैं इस टाइप का फूड बाकी हाँ बनने को बन सकता है खाने तो कभी ट्राई किया नहीं भाई अगर आप चाहो तो भाई घर पे जाके एक बार ट्राई कर लेना ठीक है चलिए आगे देखते हैं सोलर कुकर हो गया हमारा ठीक है अच्छा अगला आता है सोलर सेल सोलर सेल हिंदी में भी इसे सोलर सेल या सोर सेल कहते हैं ठीक है भाई आपने अपने घड़ी के अंदर लगा हुआ देखा होगा बर्गर जैसा दिखता है ये ठीक है ये घड़ी इस की दिखती है भाई ठीक है इस सेब की घड़ी दिखती है ठीक अब इसमें होता क्या है जो ऊपर वाला पार्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है दोनों अलग अलग लेयर से मिलकर बने होते हैं ठीक है, है? किससे ऊपर वाला सिलिकॉन बोरोन से बना होता है और नीचे वाला पार्ट का बना होता है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि सोलर सेल का ऊपरी पार्ट किससे बना होता है सिलिकॉन बोरोन से और नीचे पार्ट किससे बना होता है सिलिकॉन आर सैनिक से बना होता है किससे बना होता है सिलिकॉन आर सैनिक से बना होता है. है? है चलिए ठीक है अब इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आप लोग अगर गांव में कभी आपके जैसे गांव में गए होंगे तो वहां देखा होगा आपने हमारे यहाँ पे तो चलो स्ट्रीट लाइट लगी होती है तो उसपे ऊपर ऐसे चादर सा नहीं होता लेकिन जब आप कभी गाँव जाएंगे ना बच्चों तो आप क्या देखेंगे कि उनके स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक चादर सी बिछी हुई होती है क्या होती है एक चादर से बिछी होती है और उस चादर में देखेंगे छोटे 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 से दाने दाने जैसे लगे होते हैं वो दाने कौन है वो दाने भैया कौन है सोलर सेल वो दाने कौन है सोलर सेल तो क्या होता है उसमें कि जैसे मान लो वो चादर सी बनाई हमने ठीक है और उसमें बहुत सारे हमने सोलर सेल लगा दिए ठीक है हमने क्या कर दिए सोलर सेल लगा दिए अब इन सोलर सेल को चांदी की वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है किससे कनेक्ट किया जाता है चांदी की वायर से अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ज्यादा पैसा आ गया क्या सरकार के पास क्यों कर रहे भाई कनेक्ट सिल्वर वायर से सिल्वर वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्यों करते सिल्वर वायर से कनेक्ट क्या है भाई चक्कर ऐसा क्यों कर रहे हैं सिल्वर ऐसे पैसा ज्यादा आ गया है क्या हो गया है या लूट मचा रखी है क्या है तो भाई उन्होंने कोई लूट नहीं मचा रखी वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो इंजीनियर्स बोलते हैं वो करना पड़ता है और जो इंजीनियर्स भी अगर बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे हैं इसका रीजन क्या है तो आओ सुनते हैं क्योंकि चांदी सिल्वर जो होता है वो हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है ठीक है हीट का सबसे अच्छा चालक होता है ऊषमा का सबसे अच्छा चालक होता है और जब वो ऊषमा का सबसे अच्छा चालक है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब ये हीट जल्दी होगा कौन सिल्वर वायर तो इसको चार्ज भी बड़ी जल्दी कर देगा किसको सेल को सेल को बड़ी जल्दी क्या कर देगा चार्ज कर देगा क्यों निया? क्योंकि जब धूप उसके ऊपर पड़ेगी तो सिल्वर वायर बड़ी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और सब के अंदर ट्रांसफर कर देगा और बड़ी जल्दी-जल्दी ट्रांसफर कर देगा क्यों क्योंकि हीट का क्या है वो

एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो उसे सोलर पैनल बोलते हैं क्या बोलते हैं सोलर पैनल यानी जब एक सेल हो, तो सोलर सेल। और जब बहुत सारे सोलर सेल हो, कनेक्ट हो, चांदी के वायर से सिल्वर की वायर से तो उसे कहा जाता है क्या उसे कहा जाता है सोलर पैनल क्या बोला जाता है सोनल, सोलर पैनल ठीक है जी पल्ले गई बात ठीक है चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा ठीक है नेक्स्ट आता है बच्चों टाइडल एनर्जी नेक्स्ट क्या आता है टाइडल एनर्जी बायोमैस एनर्जी भी है लेकिन वो बाद में कराऊंगा पहले टाइडल एनर्जी ठीक है बच्चों थोड़ी सर्दी हो गई है ठीक है तो आवाजें आ रही होगी आपको सुड़ सुड़ की तो समझना इस बात को हाँ जी तो चलिए करते शुरू भाई टाइडल एनर्जी हिंदी में कहते हैं इसको ज्वार भाटा क्या कहते हैं इसको ज्वार भाटा ठीक है जी अब क्या होता है ये ज्वार भाटा हो भाई पहले आपको मैं टाइटल एनर्जी बता दूं ज्वार भाटा होता क्या है बच्चों ज्वार भाटा क्या चीज है देखो ये है मून और ये है अर्थ भाई इनके बीच में ना हर समय एक फोर्स लग रहा होता है ग्रेविटी का इनके बीच में हमेशा फोर्स लग रहा होता है किस चीज का बच्चों ग्रेविटी का

फील किए जाते हैं और वो कौन है वाटर और वाटर सबसे ज्यादा मात्रा में कहा होता है भाई समुद्रों में में ठीक ठीक है है नदियों है? तो इनमें जब ये चीज फील होती है तो वो नदियां जो पानी होता है वो लहरों में तब्दील हो जाती है ठीक है वो देखते हो आप मुंबई में देखा होगा आपने अगर कोई बच्चा मुंबई गया होगा घूमने या मुंबई से है तो उन्होंने ये देखा होगा कि भाई उनके बीच है और बीच में बहुत बड़े बड़े ना ना तिरछे पत्थर रख दिए गए हैं बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं क्यों ताकि पानी उससे टकराए और टकरा के पीछे हो जाए ठीक है क्योंकि भाई वो Earth से और मून से जो ग्रेविटेशनल होता है उस disturbance की वजह से इसमें पानी जो है वो लहरों और उन्होंने क्या किया? कि इसी gravity के में उन्होंने फायदा उठाया और क्या फायदा उठाया उन्होंने कहा कि रुक जा भाई मैं इसी से एनर्जी बना दूंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे उन्होंने इस टाइप का डैम बनाया उन्होंने इस टाइप का डैम बनाया ठीक है और अब की बार ना जो टर्बाइन लगाया वो डैम के बीच में और क्या किया, भाई? और क्या किया? पानी को हिसाब किताब बना, बना लिया मान लो पानी इधर भर रहा है तो इधर भी वो क्या कर सकता है लूज कर सकता है तो इन्होंने ऐसा करा कि भाई अगर पानी इधर भरेगा इधर मान लो इस तरह पानी भर गया तो क्या करेंगे इधर छोड़ देंगे और पानी इधर जाएगा तो टर्बाइन घूम जाएगा टर्बाइन घूम जाएगा तो साफ घूम जाएगा साफ्ट घूमेगा तो जनरेटर स्टार्ट होगा जनरेटर स्टार्ट होगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इस तरीके से और और मान लो इन केस पानी 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 अब की की इधर 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 भर 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 गया पानी भर गया और अगर पानी भर गया अगर तो की तरफ फ्लो करेगा क्योंकि हमेशा पानी फ्लो कहां करता है ज्यादा से कम की तरफ भाई इधर ज्यादा था तो इधर फ्लो हुआ तब भी टर्बाइन घुमा मान लो इधर ज्यादा हो गया इधर की तरफ गया तो टर्बाइन घुमा देगा तो उन्होंने ऐसा ही रखा कि भाई चलो इसको ऐसा सेट कर देते डैम को कि भाई चाहे टाइडल एनर्जी चाहे ऊपर की तरफ चढ़े चाहे नीचे की तरफ उतरे ऊपर चढ़ेगा मतलब इधर से ज्वार इधर से तो तो भाटा की वजह से टाइडल एनर्जी की वजह से और उसी एनर्जी से हम क्या बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और इसी को कहा जाता है टाइडल एनर्जी क्या कहा जाता है टाइडल एनर्जी कोई दिक्कत ठीक है तो इसी तरह अगला आता है बच्चों वेव 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 एनर्जी 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 अगला इसी तरह क्या क्या होता है वेव एनर्जी। अब वेव एनर्जी क्या है अब बच्चों ये प्लांट बनाए जाते हैं बड़े बड़े प्लांट अब ये प्लांट ये नहीं है पौधा लगा दिया उसमें से चार फल निकाल लिए और कहा कि लो बच्चों खा लो ऐसा नहीं है बच्चों ये एनर्जी नहीं है इसके अंदर थोड़ा अलग किस्म का हिसाब किताब है क्या हिसाब किताब है कि जैसे आपने देखा होगा कभी अगर नदी वगैरह के किनारे बैठे हो ऐसे पत्थर फेंक के मारा होगा डिप किया उसमें से वेव निकली गोल गोल वेव निकली धीरे 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 निकल के खत्म फिर आपने उस पर उसमें निकले फिर खत्म तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या देखा कि जब हम पत्थर फेंक रहे हैं तो वो उसमें से अपने आप आ रहा है और फिर आके खत्म भी हो जा रहा है तो इसका मतलब जरूर उसके अंदर कोई ताकत छुपी हुई है कोई एनर्जी छुपी हुई है तो ये बात एक बंदे को समझ में आ गई है इंजीनियर को समझ में आ गई तो बस उसने कहा कि जब ये चीज ऐसे है और कब हम पानी को कोई फोर्स लगाते तब भी पानी ऐसा लगता चलता हुआ तो क्यों क्योंकि अंदर कोई चल रहा है अंदर चलेगा तो एनर्जी बनेगी बनेगी तो यानी हर मूवमेंट करने वाली चीज में हर गति करने वाली चीज में एनर्जी होती है ये बात उसको समझ में आ गई तो जब ये बात समझ में आ गई तो उसने क्या किया एक ऐसी भाई इंस्ट्रूमेंट बना दिया एक ऐसी मशीन बना दी एक ऐसा प्लांट बना दिया कि उसने ये देख लिया कि वेव में से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है जो पानी की वेव है उसमें से भी एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं एब्सॉर्ब कर सकते हैं तो यह बात उसके पल्ले पड़ गई बस एक बड़ा सा फिर प्लांट बना भाई सरकार की मदद से और फिर जो भी वेव एन, वेव में से एनर्जी निकल रही थी उसको एब्सॉर्ब करते थे एब्सॉर्ब करके टर्बाइन पे हिट करते थे टर्बाइन घूमेगा साफ्ट घूमेगा साफ्ट घूमेगा जनरेटर स्टार्ट होगा जनरेटर स्टार्ट होगा तो वो बिजली बना के देगा पल्ले पड़ रही बात इसी को कहा जाता है वेव एनर्जी ठीक है फिर इसी तरीके से आता है ओशन थर्मल एनर्जी इसी तरीके से क्या आता है बच्चों ओशन थर्मल एनर्जी ठीक तो ओशन थर्मल एनर्जी क्या है मैं आपको बता दू देखो ठीक है ओशन थर्मल एनर्जी ठीक है जी अब देखो बच्चों, ये मान लो सन हो गया ठीक बच्चों, ये है आपका ओशन थर्मल एनर्जी अब देखना मैं ये ऐसे लेयर बना देता हूं अब एक बार बताओ आप यहां पे तैरो और यहां पे तैरो आपको पानी डंडा जहां ज्यादा ठंडा पानी कहाँ लगेगा ऑब्वियसली बात है बच्चों नीचे क्यों लग रहा है बच्चों नीचे आपको क्योंकि जब यहां पे धूप पड़ेगी तो भाई इस लेयर का तो भाई टेम्परेचर क्या होगा ही बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहां तक तो धूप पहुंच नहीं रही प्रॉपर तो इसका टेम्परेचर अपने आप में क्या होगा कब यानी जैसे जैसे आप वाटर के लेवल पे नीचे आते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा वैसे वैसे भाई हमें पानी ठंडा होता नजर आएगा मतलब जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो लगातार क्या हो रहा है गिर रहा है सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है लगातार गिर रहा है तो इसका मतलब हर लेयर के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर गैप होगा जब भाई लगातार नीचे आने पे पानी ठंडा हो रहा है तो जैसे जैसे भाई हम नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है और टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि भाई वहां पे क्या होगा कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे लेयर्स के बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर का गैप है और जब टेम्परेचर का गैप है तो इसका मतलब जरूर हुआ एनर्जी है क्यों क्योंकि टेम्परेचर भी एक एनर्जी है और जब टेम्परेचर एक एनर्जी है तो क्या उसको एब्सॉर्व किया जा सकता है जी बिल्कुल किया जा सकता है तो इसी तरीके से जैसे अः साइंटिस्ट का या इंजीनियर का माइंड घूम जाता है कि कैसे उन्होंने देखा कि अरे भाई जब वेव से एनर्जी निकाली जा सकती है तो इसके हीट से भी एनर्जी निकाली जा सकती है बस बात खत्म उन्होंने देखा कि इनके टेम्परेचर के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है तो बस उस टेम्परेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हिट कराया टर्बाइन पे टर्बाइन घूमा सॉफ्ट घूमा सॉफ्ट घूमा जनरेटर स्टार्ट जनरेटर स्टार्ट तो बिजली भी आपके लिए बनाना शुरू तो यानी कई तरीके से हम इसके लिए काम कर सकते हैं समझ रहे हो हो बात को तो इस तरीके से बच्चों हमारा थर्मल एनर्जी खत्म गया है अगली क्लास में बच्चों यानी आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म नेक्स्ट क्लास में आपको ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से क्या करा दिया जाएगा खत्म एक क्लास का चैप्टर रह गया है तो परसों आपको ये चैप्टर खत्म मिलेगा फिर हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर देंगे कोई दिक्कत किसी बच्चे को कोई परेशानी ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपको मैथ की क्लास करवाऊंगा मुझे पता है फिफ्टीन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को लिए रह गया है ठीक है उसका सेकंड पार्ट कल ही खत्म करा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उसके साथ एक नया चैप्टर भी शुरू किया जाए ठीक है चलिए तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में